नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल, आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चास नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले नगर निगम कार्यालय के समक्ष शनिवार को प्रदर्शन कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही चास सीओ दिवाकर द्विवेदी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व सफाई कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीओ ने प्रदर्शनकारियों को कहा कि भीड़ हटा ले, अन्यथा सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात से सफाई कर्मी भड़क गए और दोनों तरफ से काफी बहस हुई। इसके बाद सफाई कर्मी चास थाना पहुंचे, जहां अपनी गिरफ्तारी देने की बात पर अड़ गए। थाना प्रभारी ने सभी को गिरफ्तार करने के पश्चात जमानत पर छोड़ दिया। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर अमिताभ राय ने बताया कि सीओ पर सफाई कर्मी अपशब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे थे। श्री राय ने कहा कि सफाई कर्मचारी एनजीओ के साथ काम करना नहीं चाहते। सभी को एसडीएम चास के पास भेज दिया गया है, जहाँ वार्ता होगी। मांग क्या है मोटा मोटी आप लोगों की, जो आप लोग मांग रख मांग हमारा ये जो 298 लेबर हम लोग चास नगर निगम में है, मांग हम लोग का यही जो 298 आदमी जो हम लोग यहाँ चास नगर निगम में, हम लोग यही से काम करना चाहते हैं। हम लोग थ्री आर के माध्यम से हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जबरन शशि प्रकाश झा जी हम लोग को थ्री आर में भेजने का काम कर। अगर अगर नगर निगम में पिछले 20 से 25 सालों से लगातार हमारे सफाई कर्मी जो आज कोरोना योद्धा के रूप में जानते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते चले आ रहे थे, लेकिन एक अवैध रूप से नियुक्त 3R कंपनी को सफाई का कार्य दे दिया गया और इन मजदूरों को जब इसको अभी स्थायीकरण होना है उसके बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज इन लोग अपने न्याय के लिए यहाँ खड़े हैं, आज भूखे मरने की नौबत है। जो सफाई मजदूर पूरे 25 सालों से इस शहर को स्वच्छ रखने का काम किया, साफ सुथरा रखने का काम किया, आज जहां माननीय प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक आज हमारे सफाई मजदूरों को कोरोना योद्धा कहकर सम्मान दे रहे हैं, वैसे सम्मानित हमारे सफाई कर्मियों के ये चास नगर निगम नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको चाहिए मजदूरों से साथ बैठकर वार्ता करें और वार्ता करके सभी मजदूरों को यहाँ रखने का कार्य करें, उसके बाद अगर 3R कंपनी को बचता है कोई तो उसे दे दे या फिर उनकी जिम्मेवारी है कि कैसे करें। आपकी वार्ता हुई थी उनसे, अपर नगर आयुक्त से? एक बार वार्ता हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि 150 आदमी हम रखेंगे, 150 हटा देंगे। अब ये तो कोई तरीका नहीं है, कोई 20 साल 25 साल से काम कर रहा है। सरकार का निर्धारित दिन है कि अगर 90 दिन भी कोई कार्य कर लिया है किसी निकाय में या 240 दिन तो उसकी अधिकार है कि हमें ये नियुक्त करे और ये हटाए नहीं यहाँ से। और यहाँ तो 5-5 साल इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति? नहीं होता है तो सब लोग निर्णय लेके सोमवार से निगम गेट में ताला लगा दिया जाएगा। निर्णय ले लिया जा चुका है। क्या नाम? और सभी मजदूर एकदम मजबूत है और एकदम पूरे संगठन पूरे ताकत से अपने अधिकार मांगने के लिए यहाँ खड़े रहे। थोड़ा नाम वहाँ नगर पालिका कार्यालय में कुछ नाराजगी को लेके गिरफ्तारी देने आए थे और नाराजगी का कारण ये था कि सीओ साहब से कुछ बातावाती हो गई थी, उसको लेके लोग यहाँ आए थे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। लगभग 150 लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने अपनी गिरफ्तारी दिया, जिसे मैंने स्वीकार किया और कानूनतः उनको जमानत पे छोड़ दिया गया। SDO साहब से इस संबंध में बात किया गया है, इनकी अब टीम जो है 6-7 लोगों का टीम जाके SDO साहब से इस संबंध में बात करेगा और फर्दर जो कार्रवाई होगी SDO साहब को करना है। कुछ